वेलकम टू द रश्मीज। मैं हूँ विभा और आज हम लोग आपको बता रहे हैं कि घर पर जल्दी से यमी टेस्टी एंड क्रंची पीनट बटर पॉपकॉर्न कैसे बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक प्रेशर कुकर, उसमें डाल देंगे कॉर्न के कर्नल्स, फिर इसमें डालेंगे ऑयल। तो गाइस, ऑयल हम लोग को उतना ही डालना है जिसमें कॉर्न कर्नल्स डिप हो जाए। देखिए, कॉर्न कर्नल्स को डिप करना है, तो कॉर्न कर्नल्स में हम लोग ने डाल दिया ऑयल, थोड़ा सा ही ऑयल डाला है और थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, ज्यादा सॉल्ट नहीं डालना है। तो इसे मिक्स कर लेंगे। तो गाइस, पॉपकॉर्न को पॉप होने के लिए हम लोग ने गैस पर रख दिया है। अब इसे एक ढक्कन से ढक लेंगे और अब बनाते हैं हमारा पीनट बटर सॉस। तो एक पैन में मैं डाल रही हूँ शुगर, तो मैंने 1/4 कप शुगर लिया है। फिर इसे मिक्स कर लेंगे। तो गाइस, शुगर को हम लोग को मेल्ट कर लेना है। ध्यान रखना है कि शुगर जल नहीं जाए, तो इसे टाइम टू टाइम मिलाते रहना है। और ये लाइव वीडियो है, तो हम लोग पूरा का पूरा पीनट बटर पॉपकॉर्न, एक नया फ्लेवर घर पर कैसे बनाए दिखा रहे हैं। तो आपके सामने ही बनाकर दिखा रहे हैं, तो आप भी इसे ट्राई करिएगा। अब हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध। तो गाइस, आप दूध की जगह कॉर्न सिरप या हनी भी डाल सकते हैं। तो दूध मैंने डाला है ताकि ये सॉस क्रीमी बने। तो गाइस, मैंने दूध और बटर डालेंगे हम लोग। अगर आप कॉर्न सिरप यूज कर रहे हैं तो वो दोनों ही डालने की जरूरत नहीं है, और अगर आपके पास कॉर्न सिरप नहीं है तो फिर आप दूध एंड बटर ले सकते हैं या फिर हनी। फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर। तो गाइस देखिए, हमारा पॉपकॉर्न पॉप होना स्टार्ट हो गया है। तो मैंने पॉपकॉर्न में कम सॉल्ट डाला था, क्योंकि बटर और पीनट बटर दोनों में ही सॉल्ट है, इसलिए आप पॉपकॉर्न में ज़्यादा सॉल्ट मत डालिएगा। देखिए, पॉपकॉर्न के पॉप होने की आवाज़ आ रही है ना। तो गाइस, एकदम नया फ्लेवर है, घर पर आप ये बनाइए और घर पे सबको ये बहुत पसंद आएगा, क्योंकि पीनट बटर से ये क्रंची भी होगा एंड जो बाकी इंग्रेडिएंट्स है उससे क्रीमी भी होगा। बहुत ही टेस्टी पॉपकॉर्न बनता है। और अगर आपको और भी पॉपकॉर्न के फ्लेवर्स चाहिए तो हमारे पेज पर सॉल्टी और चीज पॉपकॉर्न एंड कैरमल पॉपकॉर्न की रेसिपी है। तो इसे मिक्स करेंगे। तो गाइस देखिए, पॉपकॉर्न हो गया है तैयार। तो गैस ऑफ कर दिया है हम लोग ने, फ्लेम ऑफ कर दिया है। और सॉस हमारी बन रही है। तो गाइस देखिए, हमारे पॉपकॉर्न पॉप हो गए हैं। और सॉस में हम लोग को उतना दूध डालना है जितना में शुगर मेल्ट हो जाए। अगर आप पाउडर शुगर ले रहे हैं तो ज़्यादा दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग डाल देते हैं पीनट बटर। तो पीनट बटर से पीनट बटर पॉपकॉर्न में एक बहुत ही क्रीमी एंड नटी फ्लेवर आएगा।
तो इसे भी मिला देंगे। सिर्फ 3-4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए गाइस, एकदम इजी रेसिपी है और इसके और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इसे मिक्स करेंगे और ध्यान रखिएगा कि पीनट बटर जले नहीं। तो गाइस देखिए हमारा पीनट बटर सॉस कितना अच्छा लग रहा है, इसमें आपको पीनट्स दिख रहे होंगे, बहुत ही नटी फ्लेवर आएगा। और लास्ट में मैं इसमें डाल दूंगी 2-3 ड्रॉप वनीला एसेंस। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है गाइस वनीला और पीनट बटर की। तो ये सॉस भी हो गया है तैयार। तो गाइस ये लाइव रेसिपी थी और देखिए सॉस की कंसिस्टेंसी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लव लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप इसे घर पर ट्राई करते हैं तो हम लोगों को कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो गाइस देखिए ये रहा हमारा पॉपकॉर्न और इस पे डाल देंगे हम लोग पीनट बटर सॉस। तो गाइस देखिए लाइव रेसिपी है, हम लोग एग्जैक्टली आपके सामने बनाकर दिखा रहे हैं कि घर पर नटी एंड टेस्टी एंड क्रीमी पीनट बटर पॉपकॉर्न कैसे बनाए। अब इस सॉस को और पॉपकॉर्न को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। देखिए गाइस कितना परफेक्ट कलर आया है इसका। अगर आप लोग को भी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। और नेक्स्ट आप लोगों को कौन सी रेसिपी चाहिए वो कमेंट्स में हम लोग को बताइए एंड वी विल ट्राई टू मेक दैट हैपन। तो गाइस पीनट बटर पॉपकॉर्न हो गए हैं तैयार। वाओ गाइस इतनी जल्दी ये हो गए तैयार एकदम क्रिस्पी। तो गाइस देखिए पीनट बटर पॉपकॉर्न कितने अच्छे लग रहे हैं। ये अभी थोड़े गर्म है, ठंडा होने पर ये एकदम ही क्रंची बन जाएगा। और देखिए बटर की वजह से इस पे कितना अच्छा शाइन आया है। तो आप इस रेसिपी को लव लाइक और शेयर करिएगा और द रश्मीज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि जब भी हम लोग लाइव जाए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।